परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। जैसा कि हम सभी को मालूम है, सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो इन बचे हुए कुछ दिनों में हम कैसे समय का सही सदुपयोग करें और टाइम को मैनेज कैसे करें, आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु सोनी और आप सभी का स्वागत है अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टाइम मैनेजमेंट है, ये उन छात्र छात्राओं के लिए है जिनका पेपर होना अभी बाकी है। स्पेशली ऐसे छात्र छात्राएं जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में बोर्ड की पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है, कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होने वाली है और कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होने वाली है। कक्षा 12वीं की 2 मार्च से और कक्षा 10वीं की 3 मार्च से। तो आज हम जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को लेकर ही बात करने वाले हैं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट वो ब्लूप्रिंट है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हर साल जारी किया जाता है। दूसरे स्लॉट में हमने रखा है डे मैनेजमेंट, मतलब बचे हुए कुछ दिनों में हम समय को कैसे मैनेज करें, अपने दिन को कैसे मैनेज करें, ये देखेंगे। तीसरा हमने रखा है कि परीक्षा हॉल में उस 3 घंटे को कैसे मैनेज किया जाए कि उस 3 घंटे में हम अपने पूरे प्रश्न पत्र को ख़त्म कर दें। तो हम टाइम मैनेजमेंट में इन तीनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, ब्लूप्रिंट टाइम मैनेजमेंट हमें 2 चीज़ सिखाती है। पहले दिशा और दशा। दिशा अर्थात जाना कहाँ है, दशा अर्थात जाने के लिए करना क्या क्या है। तो जो दिशा दिखाने का जो काम करती है वो ब्लूप्रिंट। देखिए, ब्लूप्रिंट होता क्या है, देखिए ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके समय को बचाने के लिए। तो ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र का एक ब्लूप्रिंट लिया है। ऐसा ही ब्लूप्रिंट हर सब्जेक्ट लिए रहता है। तो ये देखिए, ये ब्लूप्रिंट क्या बोल रहा है, हमारे पास जो रसायन शास्त्र में जो अंक निर्धारित होते हैं वो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 और 5 अंक होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अध्याय 1 ठोस अवस्था से 1 प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का रहेगा। अध्याय 2 विलियम में क्या पूछ रहा है कि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 अंकों का प्रश्न आएगा, इसमें से जो 2 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे। ये ऐसा बताता है, ये जो होता है प्रश्नों की संख्या होता है और ये होता है निर्धारित अंक कि इन प्रश्नों में कितने अंक निर्धारित हैं। तो देखिए, अब इसका कनेक्शन क्या है टाइम मैनेजमेंट में, ये देखते हैं। देखिए, इस ठोस अवस्था में एक ही प्रश्न आने वाले हैं 4 नंबर के लिए, अगर आप इस अध्याय में छोटे छोटे क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे क्वेश्चन की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपना समय वेस्ट कर दिया, क्योंकि ठोस अवस्था से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है जो कि दीर्घ उत्तरीय होगा। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है कि आप ये छोटे छोटे प्रश्नों की तैयारी ना करें, अन्यथा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और ऐसा टाइम देने से आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 चीज़ें पता होना ज़रूरी है, एक तो होती है दिशा और एक होती है दशा। तो दिशा दिखाने का काम ये करता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ब्लूप्रिंट को तो देख लिया, ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करना भी देख लिया कि ब्लूप्रिंट में जितने क्वेश्चंस बोले जाएंगे, ब्लूप्रिंट में अगर बोल दिया कि एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे तो वो दीर्घोत्तरी प्रश्न की ही तैयारी करना है। ऐसे प्रश्नों की तैयारी करने से बचेंगे जो हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेंगे और वो प्रश्न आने वाले नहीं हैं, ये बताता है ब्लूप्रिंट। अब देखिए डे मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डे मैनेजमेंट। जैसे कि हम देखें, आज अगर है 22 फरवरी, 22 फेब, ठीक, आज 22 फरवरी है, ठीक। देखिए 23 फरवरी, ये 24 फरवरी, 25, 26, 27 और 28 फरवरी, ये 1 और ये 2, ये 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है, तो देखिए, एक गलती करने से हमें बचना है। जो गलती क्या होती है, देखिए
अभी आप इस 22 तारीख में हैं, ठीक है, अभी आप इस 22 तारीख में, ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन हमें पेपर वन को देना है, ये 3 दिन हमको पेपर वन हिंदी को देना है, ठीक है, पेपर वन हिंदी को देना है। इसमें हमने क्या दिया, हिंदी, ये 3 दिन हमें हिंदी में देना है। इस बचे 4 दिन में, ये जो 4 दिन होगा 22, 23, 24, 25, इन 4 दिनों का सही इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, पेपर दो अंग्रेजी, पेपर दो अंग्रेजी की आप तैयारी करिए, या और साथ ही साथ हिंदी, हिंदी की कुछ पार्ट, जैसे कि हिंदी में व्याकरण का पार्ट होता है, जैसे हिंदी में कवि परिचय होता है, जैसे हिंदी में निबंध होता है, इत्यादि की तैयारी आप यहाँ से करते आइए। और ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन आपको हिंदी को ही देना है, और ये वाला जो टाइम रहेगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ रिविज़न का समय रहेगा। आप ऐसा करेंगे तो समय का सही सदुपयोग करेंगे। कई स्टूडेंट्स से गलती क्या होती है कि वो क्या करते हैं, अब आपके पास समय कम बचा है तो वो क्या करते हैं, इस इतने दिन तक बड़े सब्जेक्ट जैसे कि गणित, रसायन, भौतिकी, इन सब की तैयारी करते हैं, और 1 तारीख को हिंदी की तैयारी करते हैं, 1 तारीख को हिंदी की तैयारी। देखिए, ऐसा करने से होगा क्या कि आपने पेपर दिलाया, क्योंकि 1 दिन ही आपने तैयारी की है, तो आपने पेपर तो अच्छा नहीं दिला पाओगे। फिर आप चार तारीख को अंग्रेजी की तैयारी करेंगे, तब तक तो इतना जो पढ़ा है वो पार्ट तो आप भूल ही जाएंगे, तो आपने समय वेस्ट किया। समय वेस्ट किया मतलब आपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया। तो ये बताता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप पहले पेपर को पूरा दिन दीजिए, दूसरे पेपर को पहले ही दे दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें पहले पेपर के लिए हम पूरा का पूरा टाइम दे पाएंगे, और हमारा पहला पेपर अच्छा जाएगा तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो ये तो हो गया डे मैनेजमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये हमारी परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट की होती है। हमारी जो परीक्षा है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है, 3 घंटे और 15 मिनट की होती है। देखिए, ये जो 15 मिनट है ना, शुरू के जो 15 मिनट होते हैं, इसे आप 2 भागों में विभाजित करिए, 1 5 मिनट में और 1 10 मिनट में। आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। जो शुरू का 15 मिनट है, इसमें 5 मिनट आपको क्या करना है, अपने नाम, रोल नंबर, विषय इत्यादि लिखना है इन 5 मिनट में। और इन 10 मिनट में आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा, वो प्रश्न क्रमांक 1 से अंतिम के प्रश्न क्रमांक जाते तक उस प्रश्न पत्र को पूरा ही पढ़ना है। ये गलती नहीं करिएगा कि सिर्फ 15 मिनट में आप अपने नाम ही लिखते रह गए, नहीं, 10 मिनट इस पूरे प्रश्न को पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर आया कैसा है, तो हम आगे जो बचे समय हैं उसका हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो अब बच गया हमारे पास 3 घंटे। अब हमारे पास ये 3 घंटे महत्वपूर्ण हैं। हमने इस 15 मिनट में अपना ये काम कर लिया और पूरे पेपर को पढ़ लिया, अब हमारे पास 3 घंटे बचे हैं। इस 3 घंटे को मैं फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 1 घंटा, फिर 1 घंटे में, और एक होता है 45 मिनट और 15 मिनट। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस 1 घंटे में आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी 1 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जो भी 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे उसे आपको पूरा करना है। और इस 1 घंटे में आपको अपनी राइटिंग में भी ध्यान देना है इस 1 घंटे में। तो अगर आप इस 1 घंटे में 1 अंक और 2 अंक के प्रश्न को हल कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने 30% पेपर अपना ख़त्म कर दिया है। अब इसमें से ऐसे भी होंगे जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे होंगे, उनको आप लास्ट में करिएगा, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। अब जो दूसरे घंटे में हम जब जाएंगे तो दूसरे घंटे में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लघुत्तरी प्रश्न होंगे जो 4 मार्क्स के होते हैं। अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं, गणित पेपर की तैयारी देख रहे हैं, तो गणित में 1 नंबर के अंक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 2 अंक के, 4 अंक के और 6 अंक के। तो इस दूसरे स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी लघुत्तरी क्वेश्चन हैं 4 अंक के, इसे आपको दूसरे घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करनी है।
जो प्रश्न नहीं आते उनको रहने देंगे, उनके लिए बाद में देखेंगे, पर उनको सॉल्व करते करते अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये जो है 45 मिनट, देखिए इसको मैंने 45 और 15 मिनट में बांटा है, इस एक घंटे को मैंने 45 मिनट और 15 मिनट में बांटा है, आप भी बांटिएगा। इस 45 मिनट में आपको क्या करना है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 6 अंक के होते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 6 अंक के होते हैं, इसे आपको पूरा करना है। देखिए टाइम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो हमें 3 घंटा और 15 मिनट का सही सदुपयोग करना है। तो हमने बताया 15 मिनट को और 3 घंटे को हमने एक घंटे में डिवाइड किया, फिर एक घंटे में और फिर 15 मिनट 45 मिनट। तो इन जो 15 मिनट जो बचा है, ये जो 15 मिनट में सर इसमें क्या करना है, ये तो एक घंटा था, तो इस एक घंटे में ही हम दीर्घोत्तरी प्रश्न कर लेते, नहीं आपको 45 मिनट में करना है। अगर आपके पास 5 और 10 मिनट बचा है तो रुक जाइए, आप प्रश्न को हल मत करिए। इस 15 मिनट में आपको क्या करना है कि आपको पूरा अपना पेपर एक बार चेक करना है। चेक अर्थात जैसे कि कोई प्रश्न आया उसका आपने सॉल्यूशन लिख दिया, उसे चेक मत करिएगा, प्रश्न क्रमांक को चेक करना है इस 15 मिनट में। प्रश्न क्रमांक अर्थात जैसे आप प्रश्न क्रमांक 12 लिख दिए और उसे पूरा सॉल्व कर लिए, बाद में पता चला वो प्रश्न क्रमांक 12 नहीं, प्रश्न क्रमांक 13 का पेपर है। इसमें क्या होगा, हमने उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अपना समय दिया और सही भी किया, लेकिन प्रश्न क्रमांक हमने गलत डाल दिया, उसमें हमें नंबर ही नहीं मिलेगा। तो ये 15 नंबर हमें अपने पेपर को चेक करना है, हमें अपने पेपर को चेक करना है। तो ऐसे अगर आप जब करेंगे, ऐसे आप अगर करेंगे तो मुझे लगता है आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ इससे लाभ हुआ होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।